टुडे इज फ्राइडे एंड फ्राइडे इज स्टोरी टाइम। बच्चों, मैं आज आपको एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है चींटी और हाथी। चींटी और हाथी। एक जंगल में रानी चींटी रहती थी और वह बहुत मेहनती थी। रानी चींटी अपनी सभी चींटियों के साथ अपना घर बना रही थी और सभी चींटियां रानी चींटी की बात भी मानती थी। पर उसी जंगल में एक अप्पू नाम का हाथी भी रहता था। वो बहुत शैतान था और सभी जानवरों को परेशान करता था। रानी चींटी का घर जब बनके तैयार हो गया तो वो अपने लिए खाना जमा कर रही थी। तभी अप्पू हाथी आकर बोला, आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, कितना थक जाते होंगे, और मैं आपका घर कभी भी नष्ट कर सकता हूँ, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। ऐसा कहकर अप्पू हाथी सूंड में पानी भरने लगा। कुछ पानी उसने पिया और कुछ पानी घर के ऊपर डाला। रानी चींटी को बहुत गुस्सा आया। वो बोली, अप्पू, हम कितने दिनों से इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमारी मेहनत को बर्बाद मत करो। तब अप्पू बोला, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। तब रानी चींटी बोली, तुम बहुत घमंडी हो अप्पू, हम सबको एक साथ रहकर मिलजुल कर काम करना चाहिए। हम सब एक दूसरे के काम आ सकते हैं। अप्पू बोला, तुम क्या काम आओगे मेरे, और वो चला गया। कुछ दिनों बाद जंगल में एक शिकारी आया। उसने अप्पू के लिए एक जाल फैलाया और अप्पू उस जाल में फंस गए। तभी रानी चींटी की नजर शिकारी पर पड़ी और उसने सोचा, मुझे अप्पू की जान बचानी चाहिए। रानी चींटी अप्पू के पास आई और बोली, अप्पू घबराना मत, मेरे दोस्त चूहे आकर तुम्हारा जाल काट देंगे और शिकारी को तो मैं मजा चखाती हूँ। सभी चींटियां शिकारी के पास गई और उन्हें जगह जगह काटने लगी। शिकारी दर्द से बिलबिला उठा और जंगल से भाग गया। चूहों ने अप्पू का जाल काट दिया। अप्पू ने चींटियों से माफी मांगी और बोला, मुझे माफ कर दो रानी चींटी, हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, आज से मैं भी तुम्हारा दोस्त हूँ। तो बच्चों, आपको कैसी लगी चींटी और हाथी की कहानी, मजा आया ना आपको? तो अभी नेक्स्ट फ्राइडे मैम आपके लिए दूसरी कहानी लेके आएंगे। तब तक बाय बाय।